हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज हम डिस्कस करेंगे 2022 में हुए इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस को। एग्ज़ाम्स में कई बार ये पूछा जाता है। स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन मेघ चक्र की बात करें तो इसको स्टार्ट किया है सीबीआई ने, टू टेक एक्शन अगेंस्ट दोज हु सर्कुलेट ऑनलाइन मटेरियल रिलेटेड टू चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑपरेशन मेघ चक्र जो है वो सीबीआई ने स्टार्ट किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की ओर। नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन नार्कोस, जिसको स्टार्ट किया गया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। इन जून 2022 दिस ऑपरेशन वॉज कैरिड आउट बाई द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स टू प्रिवेंट स्मगलिंग ऑफ नार्कोटिक्स थ्रू द रेल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की ओर। अगला इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है ऑपरेशन मिशन अमानत। ये शुरू किया गया है बाय इंडियन रेलवेज टू ट्रैक लॉस्ट लगेज ऑफ रेलवे पैसेंजर्स। तो ध्यान रखेंगे कि ऑपरेशन मिशन अमानत जो है वो इंडियन रेलवेज से रिलेटेड है, और ये शुरू किया गया है लगेज को ट्रैक करने के लिए जो कि खो जाते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन सतर्क। इसको भी स्टार्ट किया गया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा टू ट्रेस द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलिसिट टोबैको एंड इलिसिट लिकर फ्रॉम रेलवेज बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इन अप्रैल 2022। ऑपरेशन सतर्क रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा शुरू किया गया है। बढ़ते हैं आगे। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन उपलब्ध। ऑपरेशन उपलब्ध शुरू किया गया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा टू कर्व द एक्टिविटीज़ ऑफ ब्लैक मार्केटिंग ऑफ रेलवे टिकट्स एंड टू मेक रेलवे टिकट्स अवेलेबल टू द पीपल। तो जो टिकट्स की ब्लैक मार्केटिंग होती है उसको रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन परिवर्तन। ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश की पुलिस के द्वारा। ये एक स्पेशल कैंपेन है टू एंड कैनवीज कल्टीवेशन एंड सप्लाई। तो कैनवीज की कल्टीवेशन और उसकी सप्लाई को रोकने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन चलाया गया है आंध्र प्रदेश पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते शुरू किया गया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। अंडर दिस ऑपरेशन RPF सेव्ड मोर देन 1000 चिल्ड्रेन फ्रॉम ट्रैफिकिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशंस अक्रॉस द कंट्री। तो ये ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते RPF के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन सर्द हवा या सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा जो है ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या BSF के द्वारा शुरू किया गया है एंड इट वॉज कंडक्टेड इन राजस्थान बिटवीन 23rd to 28th January 2022। इसका पर्पज है टू मॉनिटर द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। ऑपरेशन सर्द हवा BSF के द्वारा शुरू किया गया है। बढ़ते हैं आगे। ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया है फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसमें इंडिया ने लॉन्च किया है ये मिशन टू रेस्क्यू इंडियन सिटीजन्स ट्रैप्ड इन अफगानिस्तान। तो जो भारतीय नागरिक अफगानिस्तान में फंस गए थे उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन नमस्ते। इसको शुरू किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा टू कीप इट्सेल्फ फ्री फ्रॉम कोरोना वायरस इन्फेक्शन। ऑपरेशन नमस्ते इंडियन आर्मी ने शुरू किया था कि हैंडशेक नहीं करेंगे ताकि जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है उसको रोका जा सके। बढ़ते हैं आगे। अगला है ऑपरेशन वंदे भारत मिशन। ऑपरेशन वंदे भारत मिशन शुरू किया गया है फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा टू ब्रिंग होम 14,800 इंडियन नेशनल स्टैंडर्ड अब्रॉड। ऑपरेशन वंदे भारत मिशन जो है ये फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन मिशन सागर। ऑपरेशन मिशन सागर शुरू किया गया है फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा ही टू सप्लाई एसेंशियल फूड आइटम्स एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन टू मालदीव मेडागास्कर सेसिल्स एंड कोमोरोस टू कॉम्बैट COVID-19। ऑपरेशन मिशन सागर शुरू किया गया है फॉरेन मिनिस्ट्री के अंतर्गत ड्यूरिंग COVID-19
और एसेंशियल जो आइटम फूड आइटम्स होते हैं या जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं उनकी सप्लाई की गई है मालदीव, मेडागास्कर, सेसिल्स और कोमोरस को। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की ओर। अगला है ऑपरेशन ओलिविया। इसको स्टार्ट किया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने टू सेव द ओलिव रिडले टर्टल्स ऑफ ओडिशा। नेक्स्ट है ऑपरेशन आहत। ऑपरेशन आहत को स्टार्ट किया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने फॉर प्रोटेक्टिंग वुमेन एंड चिल्ड्रेन फ्रॉम ट्रैफिकर्स। ध्यान रखेंगे कि ऑपरेशन आहत जो है वो आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की ओर। नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन गंगा, जो काफ़ी चर्चा में रहा है। इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ऑपरेशन गंगा वॉज लॉन्च्ड ऑन 26 February 2022 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलेबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। और इसका एम है टू इवैक्यूएट इंडियन स्टूडेंट एंड पीपल ट्रैप्ड इन यूक्रेन। फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशन गंगा सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट फोर ऑफ इट्स मिनिस्टर्स टू नेबरिंग कंट्रीज एडजॉइनिंग टू यूक्रेन। जब रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर शुरू हो गया था, ये उस दौरान शुरू किया गया, और जो भारतीय स्टूडेंट या यहाँ के जो नागरिक वहाँ फंसे हुए थे उनको वापस लाने के लिए, तो किरण रिजिजू को भेजा गया था स्लोवाकिया, हरदीप सिंह पुरी को भेजा गया था हंगरी, जनरल वी के सिंह पोलैंड और ज्योतिरादित्य सिंधिया गए थे रोमानिया। इससे रिलेटेड और इम्पोर्टेंट बात करें तो अंडर दिस ऑपरेशन इंडिया सक्सेसफुली इवैक्यूएटेड मोर देन 23,000 इंडियन नेशनल्स एज वेल एज 147 फॉरेन नेशनल्स ऑफ 18 कंट्रीज फ्रॉम यूक्रेन टू इंडिपेंडेंट टेरिटरी। जिसको रसिया ने डिक्लेयर किया था इंडिपेंडेंट वो हैं डोनेट्स्क और लुहानस्क, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है यूक्रेन के। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो यूक्रेन की कैपिटल है कीव और ये बॉर्डर शेयर करता है विद रशिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मल्डोवा और ब्लैक सी और सी ऑफ अजोब से। करंट समय में यूक्रेन के प्रेसिडेंट की बात करें तो वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ये हैं इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस जो ईयर 2022 में हुए हैं। आप इनको एक बार अच्छे से देख लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।